I can't believe it just happened because I didn't really go for the look test. Parag actually called me, but my dates were not available. So I actually went with a friend of mine. He was going for an audition. So he said they audition. And then I read the script. It was full Desi, full Hindi. And I was not even wearing Indian stuff. So I was like, okay, main kal aake dekh ke jaati hu. And I was like, nahi, nahi. Main nahi deti. Mujhse itni Hindi boli nahi jaati. It was like typical that UP wali Hindi. But then somehow I gave it. And in 2 days, it just happened. So I feel sometimes jo aapke liye cheeze hoti hai na, aap kahin na kahin se pahunch jaate ho unke paas. But welcome to the actor's domain. He will make you speak any language. When he doesn't speak also, he manages to win hearts. Yeah, I am looking forward for a lot of learning. I think sir, आपको तो देख के ऐसे लगता है कि आपसे थोड़ा सा आशीर्वाद ले लें, तो I think इन्होंने आपको इसलिए लिया है, वो आशीर्वाद लेने के लिए है ना श्रेयस? He is such an amazing actor. सुधीर जी और हम एक सुधीर जी ऑफकोर्स वो सीरियल पहले से कर रहे थे अमानत नाम की और मैं उसमें मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था स्मिता बंसल के अपोजिट तो तब से यू नो हम जब उनको टीवी पे देखते थे सुधीर जी को तो बाऊजी वाला इमेज इतना स्ट्रांग था तो तभी आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सिस्टर्स सो एक फीलिंग यू नो लाइक यू टोटली कनेक्ट लवली सुपर तो वैसा ही था यू नो उस वक्त हम भी मतलब डर रहा था मैं उनके साथ सीन करने के लिए भी मेरी मतलब यू नो बोलती बंद हो जाती थी एंड कट टू व्हेन वी ऑफ कोर्स द स्क्रिप्ट केम द फर्स्ट थिंग फर्स्ट नेम दैट केम टू आवर माइंड वाज सुधीर जी एंड आई एम सो ग्लैड एंड ऑनर्ड एंड हैप्पी दैट यू नो ही डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट आप आपके लिए श्रेयस देन एंड नाउ कितने डिफरेंट है ये डिफरेंट इनकी मतलब इनकी ग्रोथ दिखती है इनकी प्रोग्रेस काम की दिखती है इनके टैलेंट में जो एक निखार आया है वो भी नज़र आता है और जिस वक्त हम लोग साथ काम कर रहे थे तभी इनमें इतना स्पार्क था और इतने अच्छे अच्छे सीन्स हम लोगों के होते थे फिर उसके बाद फिर कभी काम करने का मौका नहीं मिला जी। हम अपने करते रहे काम इन ही वॉज बिजी इन द फिल्म और फिर व्हेन ही गॉट एज यू राइटली सेड द फिल्म कुकनूर वाली फिल्म एंड यस हिज वर्क वाज टेरिफिक या तो फिर धीरे धीरे मतलब दिखता तो रहता ही है कि आसपास हमारे साथ से साथ जिन्होंने काम किया है वो आगे कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं कौन कहां तक पहुंचा कौन कितना अच्छा काम कर रहा है ये आसपास नजर आता ही है बट सी इमेजिन सर जूनियर एंड नाउ डायरेक्टिंग यू यस यस इट्स समथिंग रियली एंड बिकॉज़ आई थिंक द वे ही नरेटेड द सब्जेक्ट it clearly showed you know how clear he is about the subject yeah. and second thing ke jab kya hota hai ke ab aapki journey ek as an actor aap usse nikalte hain aur uske baad jab aap baki actors ko handle karte hain to usko baki actors se kaam nikalna baki actors se un barikiyon ko nikalna jo subject se related hai वो क्योंकि क्या है कि आमतौर पे आप देखिए जैसे अभी जिक्र हुआ थोड़ी देर पहले कि अब एक कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा आ गया है आज उसकी डिमांड हो गई है उस तरह के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और क्या है बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स तो बनते रहेंगे वो होंगे लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक सादी सी कहानी को सादगी से कह देना ज्यादा डिफिकल्ट है एब्सोल्युटली सर वो सबसे ज्यादा एब्सोल्युटली जो स्टोरी टेलिंग है आप एक ग्लॉस क्रिएट कर सकते हैं स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं विजुअल क्रिएट कर सकते तमाम जगलरी आप यूज कर सकते हैं बिकॉज वो अवेलेबल है और सिनेमा में वो सब यूज होती हैं yeah. लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब श्रेयस ने मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया या कहानी नरेट की जिस तरह से तो मुझे समझ में आया कि ये वो चीज़ है जो एक सादगी से कही गई है और सादगी से ही प्रोजेक्ट की जाएगी और जो इसको जो बयान कर रहा है जो इसको बता रहा है वो जब इतना क्लियर है और उसलिए तो वो मुझे लगता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होगा So these are, I just want to know, everybody loves reality-based films. You know, these days we love, because we're like, अच्छा ये हुआ है, you know. आपके लिए, as a viewer, how much does a subject attract you if it's really happened? मतलब, just to know. नहीं, मेरा तो हमेशा ही मानना रहा है कि subject ही सब कुछ है. Okay. Subjects के subject मतलब स्क्रिप्ट और कहानी के ऊपर कहीं नहीं जा सकते अगर उसमें कितने भी कुछ हो सब कैसा भी सब्जेक्ट हो लेकिन उसमें अगर गहराई नहीं है उसमें अगर कुछ बात नहीं है तो एक्टर कहाँ तक कुछ कर लेगा yeah. तो इसलिए कहानी का और स्क्रिप्ट का मजबूत होना बहुत जरूरी है
उसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते. रियल लाइफ और नॉट इट डजंट मैटर, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड फिल्म है, मतलब हाँ, हुआ है. नहीं, मैं कहता हूं कि रियल लाइफ बेस्ड है, ठीक है, लेकिन अगर फिक्शन भी है ना, वो भी बिलीवेबल जब तक आप नहीं बनाएंगे, तब तक वो वर्क नहीं करेगा. You know, वो सतह पे रह जाएगा. तो कोई भी चीज जब हम दर्शकों को दिखाते हैं, हाँ. वो बिलीवेबल होनी चाहिए. उतनी देर के लिए चाहे हम कुछ झूठी दिखा रहे हैं या ऐसा नहीं होता है वही दिखा रहे हैं, कोई इमेजिनरी कल्पना ही दिखा रहे हैं, वो कल्पना उतनी देर तक आपको उसमें अगर आप डूब जाएं, हाँ. तो वो एक मेकर की अचीवमेंट है. आहा, मेकर. What are you thinking? बहुत, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था. You want us to see. You want us to see the pre-look first and then take pictures, because I think let them see and get that feel. Yeah, I think that should be. Can we all split here? So some of us can go this side. इधर जाओ. आधे. उधर जाओ. अच्छा. You almost look like you're in the. अर्चना. Yeah. Should I announce it? May I please invite Mr. Ayer's family, who has made sure that he's not at home on Sundays. Please come up on stage. please, we'd love for you to be here. Yay! And this is so sweet because it just shows the true man that you are, the gentleman who's bonded with his family. God bless you. Karan Johar ne bahut pehle bol diya tha, it's all about loving the family, but this is our country. Oh, bless you. Are we ready, everyone? Let's go for it. Woo! Sarkar ki seva mein. Presenting this wonderful, like I said, pre-look poster. This is not, they're just going to begin the process. Ye sarkar kisne likha hai? Is it you? No. S-A-R-C-A-R, that is what all the story is all about, and yeah. It revolves around this particular guy and the car and the government, and that is the reason it is Sarkar Ki Seva Mein. So please drive yourselves to the center of the stage and let's take a lovely picture with the cast and crew. Do we want more people on stage? First, I think let's just get all of you in the frame. Cheers. Give me that, please. There we have it, ladies and gentlemen, Saish Venture Solutions Private Limited and Om Sai Raj Films ki Sarkar ki seva mein. Aapko kuch final words bolne hai, Shreyas, before we say bye. Are we done? Thank you. Thanks, guys. All the best. I'd like to call someone very instrumental to this project while Shreyas is getting photographed. Hari Prasad Sharma ji. Please join us on stage, Hari Prasad ji.
Thank you, everyone. And since ek project ke success hone mein, and since we've announced something new, I'd like Raj sir to introduce us to this wonderful gentleman, jinhone bahut magic ghola hai is project ke shuru hone se pehle. Actually, aaj ka ye jo din hai, ye pichle kahi barson ka ye mera sapna tha, aaj ye sakar ho raha hai. Ye aap sabke blessing, good wishes, everything. But mera parents, Sairam, Baba Sairam ji ki and Hari ji ki. But yahan tak pahunchne ke liye, mujhe jo aadmi, jo insaan pichle 18 saal se mujhe encourage karte gaye, and aaj ye din banane ke liye jo aadmi ke sabse bade haath hai, wo hai mera ek lata bhaiya, mera Mumbai boliye, aur puri duniya mein sabse badi guardian hai, Mr. Hari Prasad Sharma. Main chahta hu, please. Ye nahi hote to shayad aaj ka din hona namumkin tha mere liye. Ya Shreyas ji se milna, ya Hari ji se milna, ya baki sab se milna. Thank you for that. Main chahta hu ki bhaiya kuch hamare liye blessing de. Sharma ji, nayi car, naye director, naye sab kuch, please kuch kahiye. Idhar aaiye. Nahi. No, I brought best wishes for whole unit from Shirdi, and I brought one small memento for Shreyas also. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक सेकंड डायरेक्टोरियल फिल्म. सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, दो साल क्यों लग गए आफ्टर पोशा बॉयज? पब्लिक बहुत इंतजार कर रही थी, अब वो समय आ गया. दो साल इतने टाइम में क्यों? सी मतलब कहानी भी तो सही होनी चाहिए कुछ करने के लिए. सो आई वॉज बिजी विद अदर एक्टिंग थिंग्स. तब गोलमाल भी चल रहा था, सेटर्स की शूटिंग चल रही थी, एंड देन ऑफकोर्स ये जब कहानी आई तो कहानी में दम लगा और ऐसा लगा कि यार ये मज़ेदार सी चीज़ है, इसको अपने तरीके से बता सकते हैं. एंड दैट्स द रीज़न आई डिसाइड. एंड ऑनेस्टली जब पोस्टर बॉयज डायरेक्ट किया था तब भी सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्ट करूँगा. तो वो सनीपा जी ने कहा कि तू कर ले कर ले कर ले, तो वो मस्ती मस्ती में सारा हो गया. सो सीरियस थॉट ऐसे डायरेक्शन को दिया नहीं था. ऑफकोर्स आई वॉज वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स, बट ये जब कहानी आई तो दे लाइक आई सेड दे अप्रोच मी टू डायरेक्ट इट फर्स्ट एंड देन एक्ट इन इट. सो आई वॉज क्वाइट टेकन अबैक एंड सरप्राइज, बट आई लव द स्टोरी. And that's how we decided to go ahead with it. Okay, the poster देख के तो बहुत interesting लग रहा है. So अगर थोड़ा कुछ बता दे, थोड़ा glimpse अगर movie. ये जैसे उन्होंने कहा कि एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जो टैक्सी ड्राइवर ने कहा, तो उसी टैक्सी ड्राइवर की एक कहानी है जो कई सालों से सरकारी नौकरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारे को सफलता नहीं मिली. फाइनली ही डिसाइडेड टू बाई हिज ओन कार, अपनी गाड़ी लेने की सोची, और उसके बाद उसके लाइफ में फिर जो घटना घटी उसके वजह से उसे झक मार के सरकार की सेवा करनी पड़ी. तो वो क्या करनी पड़ी, कैसे करनी पड़ी और उस दौरान क्या क्या हुआ, वो बेसिकली कहानी है. ओके, जैसे कि अभी स्टेज पे भी कहा गया है कि जब भी कॉमेडी का नाम आता है तो आपका नाम जरूर आया, यू कम विद अ कॉमेडी पैकेज. सो कभी आपको प्रेशर फील होता है क्योंकि आप जब भी आते हैं एक एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को आपसे? एक्चुअली नॉट रियली, बिकॉज सी ह्यूमर इज समथिंग विच इज प्रीटी मच अ पार्ट ऑफ मी. वो एक काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है. मैं कभी कभी कुछ सीरियस फिल्मों में भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि हल्का सा ह्यूमर होना चाहिए लोगों को रिलीफ के लिए. एंड इफ़ यू लुक एट माय फिल्मोग्राफी, तो मैंने फ्रॉम सटायरिकल टू स्लैपस्टिक तो सारा किया है, फ्रॉम डार्क ह्यूमर एवरीथिंग. सो ह्यूमर हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी. एंड आई थिंक प्रेशर लेंगे तो फिर वो जैसा चाहिए वैसा काम कर नहीं सकेंगे. इट्स बेटर दैट वी जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम. हमारी स्क्रिप्ट पे जैसे काम हो रहा है, मैंने कहा जो टीम है, जो एक्टर्स है, जैसे निखिल है, बड़ा अतरंग सा कैरेक्टर है वो, और हमें वैसा ही वो बंदा चाहिए था. फिर श्रद्धा है, ब्रिलियंट एक्ट्रेस. सो एक्टर्स सुधीर जी, यू नो, ऑल ऑफ देम आर प्रीटी मच फिट फॉर द पार्ट. माय ओनली थिंग इज टू मेक श्योर दैट दे डिलीवर व्हाट आई हैव इन माइंड, व्हिच आई नो दे विल. सो प्रेशर अगर अभी से लेना शुरू कर दूंगा देन आई वोंट बी एबल टू रियली परफॉर्म माय सेल्फ. ओके सर, सर का मूवी की बात करें सरकार, सो इसमें इसके पहले भी आपने जो मूवी डायरेक्ट की उसमें एक सोशल कॉज, एक मैसेज दिया गया था, इसमें भी ऐसा कोई मैसेज दिया गया या कोई एक मुद्दा उठाया गया करंट इशू से? वैसा मुद्दा नहीं कहूँगा मैं, बट मैसेज ज़रूर है.
और बड़ा प्यारा सा एक मैसेज है टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जो हम अक्सर जिन चीज़ों की बातें करते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, वो एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश की है। ये दोनों चीज़ें एक साथ करना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि यू नो पहले जैसे मैंने कहा कि मैंने सोचा था सिर्फ डायरेक्ट करूँगा, फिर बात आई कि नहीं सर आप ही एक्ट कीजिए, तो फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है। बट बाकी अदरवाइज आई थिंक इज़ अगर आपकी टीम सही हो तो फिर उतना टेंशन नहीं होता, बट थोड़ा सा प्रेशर तो डेफिनेटली रहता है। क्योंकि मैं अक्सर पोस्टर बॉयज़ के वक्त मैं अपने डायलॉग खुद भूल जाता था, क्योंकि मैं सनी पाजी बॉबी उनके डायलॉग्स पे फोकस करता था। बट आफ्टर दैट आई लर्नड अ लॉट एंड आई होप इस बार वो गलतियाँ नहीं होंगी जो पिछली बार हुई। ओके सर, डायरेक्शन की बात करें तो सी दिस इज़ अ जॉनर विच आई एम कमिंग बैक टू आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। मैंने शुरुआत इस जॉनर से की है, फिर चाहे इकबाल हो या डोर हो, सज्जनपुर हो, दिल दोस्ती एक्सेट्रा हो, तो आई वॉज नोन फॉर दोज काइंड ऑफ फिल्म्स। ऑफकोर्स उसके बाद में गोलमाल, आज मतलब अगर आज का जनरेशन मुझे जानता है तो गोलमाल के लिए जानता है। बट आई स्टार्टेड विद दिस जॉनर एंड इट ऑलवेज फील्स ग्रेट टू कम बैक टू दिस जॉनर अगेन, यू नो। तो इम्पैक्ट तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, ह्यूमर भी भरपूर मिलेगा, बट एट द सेम टाइम यू नो वो कैरेक्टर की छोटी छोटी जो न्यूएंसेस है, पर्सनालिटी ट्रेट्स है, वो सब मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो भी लोगों तक उतने ही स्ट्रांगली पहुँचे जितना ह्यूमर। ओके, लास्ट ऐसा क्या कहना चाहिए, बहुत ही जल्द मूवी बनने वाली है? हाँ, मतलब दिस टुडे हम तो प्रोडक्शन हाउस की लॉन्चिंग है और अनाउंसमेंट थी कि उनके फर्स्ट वेंचर, तो जैसे उन्होंने भी कहा कि वी जस्ट नीड पीपल्स ब्लेसिंग्स। ऐसा नहीं है कि ऑफकोर्स हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चरें बनाना चाहता है, बट वो मैं जब हमारे प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि सर आप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं कि हम और भी फिल्में बनाएंगे, तो उनका आंसर ये था कि सर एक चीज़ होती है कि जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त वो सिर्फ उस बच्चे के बारे में सोचती है, वो प्रेग्नेंट होने के बाद ये नहीं कहती कि मैं और 10 बच्चे पैदा करने वाली हूँ, यू नो। सो आर एफर्ट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम, वेयर वी विल जस्ट गिव अटेंशन टू दिस फिल्म, पहले इसी पे फोकस करेंगे, विल मेक श्योर कि इसको रिलीज ठीक से हो, ये ठीक से बने, उसके बाद अगला सोचेंगे। सो राइट नाउ ऑल आर एनर्जीज आर फोकस्ड ओनली टूवर्ड्स सरकार की सेवा में। थैंक यू, थैंक यू सो मच।